पावर किस किस ने निकाल के लगाई? सबने लगाई? हमने लगाई सर। जी हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेश सनोडिया है और आज मेरी एशिया टेलीकॉम में मेरे तीसरे डे की क्लास है। तीसरे डे की क्लास में आज मुझे पावर आईसी को मैंने लाइव फ़ोन से मैंने माउंट और अनमाउंट किया है और फ़ोन चालू हो चुका है ये। जी जी। और मैं ये बताना चाहूँगा, अगर कोई भी भाई अच्छा सा मोबाइल टेक्नीशियन बनना चाहता है तो फटाफट भाई एशिया टेलीकॉम मोबाइल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। तो जो यहाँ पे जो ट्रिक्स है, जो बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, वो पूरा एंडलेस तरीके समझ में आता है? एकदम परफेक्ट तरीका, बोला जाए तो आखिरी तरीका, मतलब ऐसी ट्रिक है कि मैं बता नहीं सकता। इसलिए आप, मैं खुद आपको पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि भाई फटाफट ज्वाइन करो और देखो अपने स्किल को बढ़ाओ और एक अच्छे टेक्नीशियन बनो। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो बताइए आज क्या क्लास थी हमारी? आईसी रिबोलिंग प्लस कंपोनेंट वन की क्लास। कि अभी रिबोलिंग किस किस का क्लियर है? मेरा सर, हम सबका। हम सबका, सबका ऑल डन है क्या? आज से पहले ये काम करते थे हम क्या? अभी आईसी पे डर लगेगा क्या हमको? नहीं डर लगेगा। अब सेकंड बात आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कंपोनेंट को ट्रेस कौन कौन कर सकता है? अभी सब कर सकते हैं। कोई से भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। वो दो लेग का हो, चार लेग का हो या तीन लेग का, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। जीआर कौन कौन निकाल सकता है? निकाल सकते हैं जीआर। सीरीज पैरेलल कौन कौन कर सकता है? ये नॉलेज है हमारे पास। ये आज क्या क्लास थी हमारी? आईसी रिबोलिंग प्लस कंपोनेंट वन की क्लास। कि अभी रिबोलिंग किस किस का क्लियर है? मेरा सर, हम सबका। हम सबका, सबका ऑल डन है क्या? आज से पहले ये काम करते थे हम क्या? अभी आईसी पे डर लगेगा क्या हमको? नहीं डर लगेगा। अब सेकंड बात आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कंपोनेंट को ट्रेस कौन कौन कर सकता है? अभी सब कर सकते हैं। कोई से भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। वो दो लेग का हो, चार लेग का हो या तीन लेग का, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। जीआर कौन कौन निकाल सकता है? निकाल सकते हैं जीआर। सीरीज पैरेलल कौन कौन कर सकता है? ये नॉलेज है हमारे पास। आज हमारी सीपीयू रिवॉल्विंग की क्लास थी। और क्या था हमारा? सैमसंग के डबल डेकर सीपीयू और रैम दोनों को रिवॉल्विंग का था और साथ में पावर आईसी भी रिवॉल्व किया और साथ में पावर आईसी को दोबारा से रिवॉल्व करके लगाया। ये खाली आपने क्या है, पूरी क्लास ने किया? चलिए ठीक है। ईमानदारी से पावर किस किस ने निकाल के लगाई? सबने लगाई? हमने लगाई सर। और सेकंड, आज आपकी एक यूनिक क्लास थी, वो भी देव सर के साथ। वो आपके सिलेबस से बाहर वाली क्लास थी। तो ये बताइए मुझे, खाली सीपीयू देख के 80% आईसी कौन कौन बता सकता है? सो हाय दोस्तों, मैं देवधन अग्रवाल, एशियन टेलीकॉम को फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप 30-14 दिन में आप सीपीयू, एमएमसी, पावर सब लगाकर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए और थ्योरी के साथ भी आप डेली सीपीयू लगाए, ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे। क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो सीपीयू का फैट जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहाँ पे आपको डीप लेवल की थ्योरी मिले, जहाँ पे आपको वो सर्किट, वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको ईएमएमसी जिसमें यूएफआई पढ़ाया जाए, और जेटेक जिसमें आपको लेटेस्ट जो आईसी है, जो सीपीयू चेंजिंग सब कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम। अगर आपको सीपीयू मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास। 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना छूटने दो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000739192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।